नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। फटाफट रुक करते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों का। हार्दिक ने सिरे से नकार दी गांगुली की सलाह। पांड्या ने रणजी ना खेलने का फैसला किया, सिर्फ आईपीएल खेलेंगे। दूसरे वनडे के लिए टीम में लौटे तीन दिग्गज खिलाड़ी। ट्रेनिंग सेशन में कोच द्रविड़ ने की गेंदबाजी। राहुल, मयंक और सैनी की हुई वापसी। बीआर चोपड़ा की महाभारत के भीम और पूर्व एथलीट प्रवीण कुमार सोबती का निधन। 76 वर्ष की उम्र में हुआ देहांत, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। अहमदाबाद की टीम का आधिकारिक नाम आया सामने। अहमदाबाद टाइटंस के नाम से खेलने उतरेगी टीम। पांड्या के अलावा शुभमन गिल और रशीद खान को किया टीम में शामिल। प्रो कबड्डी लीग में जयपुर ने गुजरात को दी मात। दीपक हुडा ने पूरे किए पीकेएल 8 में 100 पॉइंट्स। अब लगभग हर टीम के पास प्लेऑफ जाने का मौका। मेगा ऑक्शन में नहीं शामिल होंगे अंडर-19 टीम के उपकप्तान शेख रसीद। लिस्ट ए या प्रथम श्रेणी ना खेलने की वजह से डिस्क्वालिफाई। पाक दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम घोषित। ख्वाजा और बोलेंट को मिला एशेज में शानदार प्रदर्शन का इनाम। हेजलवुड की वापसी। भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। घंटे भर में बिके T20 वर्ल्ड कप के सभी 60,000 टिकट। 23 अक्टूबर को मेलबोर्न में होगा मुकाबला। बीजिंग विंटर ओलंपिक में कोरोना की दस्तक। पहले ही दिन दिखा कोविड का प्रकोप। एक दिन में सामने आए 45 नए मामले। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ। वर्ल्ड कप के बाद घर नहीं लौट रहे अफगान क्रिकेट खिलाड़ी। टीम ने यूके में मांगी शरण। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी न्यूज। नमस्कार।